चाहता था कि गुफ्तगू वहीं से मुसलसल हो जाए, लेकिन आज चंद अहम उमूर पेश नजर हैं। ये गुफ्तगू आप सुने, आप याद रखें, और जहां जहां आज सिफत के साथ रिले में मेरी आवाज पहुंच रही है, वो अहबाब भी इस गुफ्तगू को महफूज करें। हम इखलास बंदगी के उन्वान पर तकरीर कर रहे हैं, और कल गुफ्तगू ये थी
کہ خدائے قدوس لم یزل و لا یزال کی اگانگت عقلن اس طرح سے آج ساری دنیا پر محیط ہے کہ اس کی توحید سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. وہ کیسا ہی مادہ پرست کیوں نہ ہو, زیادہ سے زیادہ کچھ نام بدل جاتے ہیں. کبھی کہتے ہیں پرائم موور, میتھمیٹیکل تھنکر, کبھی کہتے ہیں ماسٹر مائنڈ, ایک شعور اعلی, ایک مفکر اعلی, ایک صانع کل, ایک خالق کل کا وجود لازم ہے. مانا سب نے, مانا سب نے صرف یہی ہے کہ پیدا کیا, اس نے پیدا کیا. بحث جہاں سے شروع ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آج ساری دنیا میں جہاں جہاں محکمہ آثار قدیمہ کا زمینوں کے طبقات کو کھود کھود کر پرانے اور قدیم تمدنوں کو نکال رہا ہے, وہاں بعض وقت زمین کی عمیق ترین گہرائیوں سے لاکھوں برس پہلے کے انسانوں کے ڈھانچے ملے, مگر اس طرح سے کہ ان کے ساتھ ساتھ, ان ڈھانچوں کے ساتھ ساتھ ان کے بنائے ہوئے خدا بھی موجود تھے, ان کے ترشے ہوئے خدا بھی موجود تھے. یعنی اس آثار قدیمہ کے انکشاف نے یہ بتلایا کہ جب سے نوع انسانی ہے معبود کی ایک فکر ضرور ہے کہ کسی نے پیدا کیا, ہم خود بخود پیدا نہیں ہو گئے. اور جب تک انسانیت رہے گی ایک خالق کا وجود رہے گا, اپنے جلب منفعت و دفع مضرت کے لیے ہر ایک کسی نہ کسی کو پوجتا ضرور ہے, فائدے کے لیے نقصان کو دور کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی یہ چاہتا ہے کہ کوئی رہے. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ کوئی رہے جس کا سہارا ڈھونڈا جائے, مگر وحی ربانی نے آئے محکم سے بتلا دیا کہ وہ ایک ہے, احد ہے, صمد ہے, لم یلد ہے, ولم یولد ہے, ولم یکن لہو کفواً احد ہے. اس کی توحید کو نہ کسی کی محبت سے اثر پر پہنچتا ہے, نہ کسی سے عشق کریں تو اس کی محبت زائل ہوتی ہے, نہ کسی کی مجلس کی جائے تو اس کی محبت سے اثر ہوتا ہے, نہ کسی کا ماتم کیا جائے تو اس کی توحید میں شرک آتا ہے. اس کی توحید منزہ ہے, مبرہ ہے, اعلیٰ ہے, اجل ہے, اکمل ہے. ہمارے تمام طریقہ زندگی سے, اس لیے میں کل کہہ رہا تھا کہ یہ جو آپ جمع ہو رہے ہیں یہ فقط اسی لیے جمع ہو رہے ہیں کہ محمد کا پیغام رہ جائے. ہم
समझने में कुछ गलत फहमियां हो रही हैं, हमको समझने में कुछ गलत फहमियां हो रही हैं। और मैं जाहिर है कि जब इस अमर की जरूरत महसूस करता हूं कि अब यकीनन कुछ कहना चाहिए, तो ये उसी वक्त ऐसी कोशिश करता हूं जब ये समझता हूं कि मुतजाद अफकार, मुतसादिम अफकार अपने नशरो इशाअत के जराए से, अपने नशरो इशाअत के जराए से दिमागों को मसमूम करना चाहते हैं, उस वक्त जरूरत महसूस करता हूं कि कुछ कहा जाए। इत्तेफाक से कल ही ये गुफ्तगू थी और सुना ये कि कल ही रात टेलीविजन पे एक मुजाकिरा हुआ, उस मुजाकिरे में ये पूछा गया कि मजलिस का आगाज कब से है, तो किसी ने यह कह दिया कि तैमूर के जमाने से है। फिर पूछा गया कि ये आप मातम क्यों करते हैं, सेल्फ टॉर्चर क्यों करते हैं, तो सुना ये कि कोई जवाब नहीं दिया गया। बहरहाल ये चीजें, मेरी दरखास्त ये है कि ये मबाहिस टेलीविजन पर या रेडियो पर मुजाकिरे की सूरत में ना आए। हौसले अगर दिल के निकालने हों तो ये खुली जगह ना, साल है खालिदिन हॉल में जबकि मैं गुफ्तगू कर रहा हूं। सदहा मरतबा गुफ्तगू हो चुकी, मगर खास तौर से इस उन्वान को किसी जगह से गए नशरो इशाअत में रखना और इस गुफ्तगू को छेड़ना कि कब शुरू हुई मजलिस, इसकी तारीख क्या है, तो अगर जाहिर है जवाब देने वाला अपनी मसलहतों से चुप हो जाए या अपने इल्म के हिल्म की वजह से कुछ जवाब न दे सके, तो फिर ये समझा जाएगा कि इनके पास शायद कोई जवाब नहीं है। मैं जानता हूं कि जो खिदमत टेलीविजन का महकमा कर रहा है उससे ज्यादा खिदमत मैं करता हूं, मुझे मालूम है उनकी आवाज वहां तक नहीं पहुंचती जहां तक मैं अपनी आवाज को पहुंचा रहा हूं, इसलिए कि आम हजरात इस काबिल नहीं है कि वो अपने घरों में टेलीविजन रखें। और फिर वो बेचारे जिनका काम ही मातम है, वो इतने फकीर हैं, इतने गैर मुस्तती हैं कि वो टेलीविजन खरीद ही नहीं सकते। तो इस एतबार से अगर आप फकत उन्हीं को समझाना चाहते हैं जो साहिबान इस्तेताअत हैं, उन्हीं को समझाना चाहते हैं जो दौलतमंद हैं कि देखो मजलिस तो दरमियान में शुरू हो गई और इस तरह से यह मातम है, इसका कोई जवाब ही नहीं है, तो फिर अर्ज करूं यह तरीका नामुनासिब है। और खुसूसन अभी मैंने कोई गुफ्तगू नहीं की, आपको मालूम है आशूर पीर के दिन है और पीर के दिन टेलीविजन को तातील है, टैक्स अगरचे हमसे लिया जा रहा है और इतनी बड़ी अकलियत टैक्स दे रही है, इसके बावजूद इदारे के जिम्मेदार अफराद ने यह फैसला किया है कि पीर को वो छुट्टी
छुट्टी देंगे वो हमेशा के लिए छुट्टी ले लें तो मैं खुश हूं, मैं कभी उसमें दखल नहीं दूंगा। पीर को ले लें, इतवार को ले लें, हफ्ते को ले लें, हुसैन टेलीविजन के कभी मोहताज नहीं रहे। ये तो अभी आया है ना कराची में, अभी आया है। हम तो गुफ्तगू बहुत कदीम जमाने की कर रहे हैं। आप क्या नशो इशात का काम करेंगे? आप के लिए तो ये ड्रामे, कुछ हंसी की बातें, कुछ मजाक, कुछ थोड़ा सा दिलों को लुभाने वाला कोई पैगाम, कुछ अपनी बेहबूदी के लिए और अपनी नामावरी के लिए कुछ थोड़ी सी ऐसी खिदमत के जहां इंसान का दिल बहल जाए, वक्त गुजर जाए। ये इन कामों के लिए टेलीविजन है। टेलीविजन का मकसद ये नहीं है कि वहां अहम तरीन मसाइल दीन पर गुफ्तगू हो और जहां अहम तरीन मसाइल जेरे बहस आए। इसलिए मैं समझ रहा था कि ये कुछ नामुनासिब सी बात हो गई और गुफ्तगू जब तफसील से होगी तो शायद मैं और भी कोई वक्त निकालूंगा ये बतलाने के लिए कि अगर यही तय किया जा रहा है कि हम अपनी मर्जी से आशूर मनाएंगे और छुट्टी है पीर के दिन इसलिए इतवार ही को आशूर कर लेंगे, तो अब के जब रमजान आए तो ईद की नमाज एक दिन पहले पढ़ ली जाए, ये मुनासिब है। और जब ज़िलहिज आए तो एक दिन पहले उसके मरासिम को अदा किया जाए, और जब कोई और इसी तरह से गमंगेज बात हो तो उसको जरा पहले से आप तय कर लें, ये मुनासिब है। बहरहाल मैं फिलहाल पीर के मुतालिक गुफ्तगू नहीं करूंगा। पीर तो उनकी छुट्टी का दिन है, आराम का दिन है, राहत का दिन है। मगर एक बात टेलीविजन वाले सुन लें, अगर दिलों में बोगज़े आले मोहम्मद रख के इस प्रोग्राम को रोका जा रहा है तो इसका अंजाम खतरनाक होगा। नहीं, मगर मशरकी पाकिस्तान से हमारे मोहतरम बुजुर्ग जब आवाज देते हैं तो कहते हैं घेरो और जलाओ, काटो और मारो। मगर जब हम आवाज देंगे तो ये आवाज नहीं देंगे, हम आवाज देंगे कटो और मारो। हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम बगावत पर आमादा नहीं करेंगे। ये जंजीरें हमारी हाथों में खुद इस बात की दलील हैं कि ये दिल दिया है इसीलिए अल्लाह ने, ये जिगर दिया है इसीलिए, ये सीने दिए इसीलिए कि इनको जख्मी करके दुनिया को एक पैगाम पहुंचाया जाए ताकि सबकी आंखें खुली रहें कि आज दसवीं है मुहर्रम की, वो पीर हो के इतवार। बहरहाल
तबीयत का कोई इलाज नहीं है, हम इत्तेहाद चाहते हैं और हमने हमेशा इत्तेहाद की दावत दी है। मैंने कल भी अर्ज किया कि एहतराम में खत्मी मर्तबत के लिए वाकई करबला है। अब रह गया ये कि पर्दे पर टेलीविजन के इस बहस को छेड़ देना कि मजलिस का आगाज कब से हुआ, तो पहले ही मुझे ये तो बतला दे कि मजलिस क्या है, खुद मजलिस क्या है। मजलिस यही है ना, एक जगह बैठ के रो लेना, एक जगह बैठ के जिक्र करना। तो मजलिस तो उसी दिन शुरू हुई जिस दिन हुसैन ने मैयतें उठाई, अली अकबर की लाश के मजलिस हुई, अब्बास की लाश के मजलिस हुई, अली अकबर को दफन के करके मजलिस की, औनो मोहम्मद को रुख्सत करके मजलिस की। आपने पढ़ा नहीं होगा, हर वक्त हर शहीद के मौके पर एक मजलिस हुई। फिर भाई चला तो बहन ने मजलिस की, फिर भाई का सर नौके नायजा पर आया तो बहन ने मरसिया पढ़ा। ये मकातिल में है, या हिलालन गाब कबल कमाल। बहन ने भाई के सर के को देखकर कहा, मेरे चांद क्या जल्द गायब हो गया तू। आप किस मजलिस को पूछ रहे हैं? यह मजलिस खालिदीन हॉल वाली, या आप हकीकत में उस मजलिस को पूछ रहे हैं कि जहां लोग बैठ के जिक्र शोहदा करें? तो मजलिस तो उसी दिन शुरू हुई, उसी दिन शुरू नहीं। आप मुस्नद इमाम अहमद इब्ने हंबल देखें, मजलिस तो रसूल ने की। और ये कह के कि उम्मे सलेमा, उम्मे सलेमा आशूर की पहचान ये है कि इस शीशे की मिट्टी में खून आ जाएगा। आप शौक से छुट्टी मनाएं, आप शौक से छुट्टी मनाएं, हमको फिक्र नहीं है, हमको फिक्र नहीं है, हमारा पैगाम रुकता नहीं है। हम रास्ता भर चीखते हुए जाते हैं, हम रास्ता भर पुकारते हुए जाते हैं। कोई हमको आज तक डरा न सका, कोई कयामत तक हमको डरा न सकेगा, कोई आज तक हमारी राह बदल न सका, कोई कयामत तक हमारी राह बदल न सकेगा। फकत मारूजा यही था कि पूछना हो तो रास आके यहां पूछें कि तारीख क्या है, तो हम आपको एक एक सन बतलाएंगे कि भाई के बाद बहन ने कहां कहां मजलिस की। कूफे में मजलिस हुई, कूफे के कैद खाने में मजलिस हुई, शाम के दरबार में मजलिस हुई, शाम के कैद खाने में मजलिस हुई, आबिद बीमार ने मजलिस पढ़ी, सकीना की मैयत पे मजलिस हुई, फिर यजीद के घर में मजलिस हुई, फिर जब वापस आई मदीने तो रोज मजलिस हुई, यहां तक के आबिद बीमार को कहना पड़ा, फुप्पी अम्मा कयामत की धूप है, फुप्पी अम्मा आप कहन से अंदर चले तो रो के कहा, बेटा मेरा भाई तो तीरों की बौछार में पड़ा था। आप सिर्फ ये समझते होंगे
कि बादशाहों की सरपरस्ती में मजलिस हुई। आप ये समझते होंगे कि आले बुआए या खानदान चंगेज के किसी ताजदार या शाहान सफवी के दौर में मजलिस का आगाज हुआ। नहीं मेरे अजीजो, नहीं, खुद यजीद के घर में जब हिंदा बिनत आमिर इब्ने अब्दुल्लाह ने कहा यजीद से बुलाऊं शहजादी को घर में, तो कहा बुला ले। शहजादी की खिदमत में आई तो कहा आऊंगी एक शर्त, भाई की मजलिस होगी, भाई की मजलिस होगी तो हाथ में भाई का सर लेके जैन अपने मजलिस पर ही। बहरहाल शहादत के बाद, शहादत के साथ, शहादत के कबल मेरे पास तारीख है, तारीख है। सिफिन की लड़ाई से वापिस होते हुए एक मकाम पे अली रुक गए और बहुत रोए, बहुत रोए। लोगों ने कहा मौला खुदा आपकी आंखों को नरोलाए, क्यों रोते? कहा ये करबला है, ये मेरे बच्चों का मदफन है, यहां मेरे बच्चे ज़िबह होंगे। असहाब रोए और अली ने ज़ाकिरी की। मुंतखब उत्तवारीख सलमान करबला की जमीन पर पहुंचे, फरीजे को अदा किया नमाज के और उसके बाद अपने साथियों से कहा तुमको मालूम है इस जमीन में सब मेरे भाई दफन होंगे, सलमान सब मेरे भाई दफन होंगे। लोगों ने कहा सलमान तुम्हारा तो कोई भाई नहीं है। कहा नहीं, वो भाई जो मेरे बाद आने वाले हैं, ये मिन्ना अहलल बैत की मंजिल पर है। तो यहाँ सलमान जाकिर है, अबू जर जाकिर है, अम्मार यासिर जाकिर है, यहाँ मिगदाद जाकिर है, अली जाकिर है, पैगंबर जाकिर है, यहाँ हुसैन जाकिर है, ज़ैनब जाकिर है। फकत यही नहीं, बादे करबला, बादे करबला आपको मालूम है कामिल 94 और 95 हिजरी तक, 61 हिजरी से लेकर आबिद बीमार ने मुसलसल मजलिसें की, हफ्तावारी नहीं, रोज जब सामने पानी आता रोजे, जब सामने गिजा आती रो देते। लोगों ने कहा मौला आकर कब तक रोएंगे? इरशाद फरमाते थे मिनहाल याकूब के 12 बेटे थे, एक बेटा गुम हो गया तो इतना रोए कि आंखों की बसारत चली गई। मिनहाल मेरी आंखों के सामने मेरा घर उजड़ गया। आबिद बीमार ने मजलिस की, मशहूर फकीर जहरी ने आके बेटी की शादी की दावत दी। आपने फरमाया जहरी बादे करबला हम शादियों में नहीं जाते। देखा आपने कियाम मजलिस, बाद करबला हम शादियों में नहीं जाते। कहा मौला मेरी बड़ी तमन्ना थी आप मेरे घर आते। कब जहरी मैं जरूर आऊंगा, एक मजलिस कर ले, एक मजलिस कर ले। तो आपने देखा शादी का आगाज मजलिस। जहरी बयान करता मैंने मजलिस का ऐलान किया कि मेरे घर मजलूम करबला की मजलिस है, आप इधर बीमार आएंगे।
मेरा घर आदमियों से भर गया। इमाम आए तो मैंने हाथों को जोड़ के कहा सदर तालाब में आइए। इरशाद फरमाया नहीं जहरी, वहां मेरी दादी आई। मैं सफेद आल में बैठूंगा जहां जूते जोड़ते। सबके आखिर में बैठ गए। जहरी बयान करता है जब जाकिर ने मरसिया शुरू किया इतना रोए के रोते रोते बेहोश। जब उस साजिदीन ने मजलिस की इमाम बाकर ने तारीख मरते दम वसीयत की कि हर साल मकाम मिना पर अय्याम हज में 12 बरस तक मजलिसें हों ताकि दुनिया न भूले। लोगों ने मासूम से पूछा कि ये इमाम बाकर की क्या वसीयत है, का इसलिए कि इमाम बाकर वाकई करबला की आखिरी कड़ी है। दरबार में सैयद सज्जाद भी थे, सकीना भी थी, इमाम बाकर भी थे। इमाम बाकर का सिन 4 बरस का था दरबार में, याद दिलाने के लिए कि देखो हमको न भूलो। इमाम बाकर ने मजलिसें की, इमाम सादिक ने तो इतना इंतजाम किया कि मुहर्रम का जब चांद दिखाई देता तो मदीने में ऐलान करवाते कि जिन जिन को मरसिए याद हो वो मेरे पास रोज आए। लोग मरसिए कहते इमाम की खिदमत में आते। रागी कहता है कि एक दिन मैं पहुंचा, मेरी तरफ देख के कहा कोई मरसिया याद है? अर्ज किया हाँ मुझे याद है। तो इमाम ने कहा पढ़, और एक मिंबर मेरे लिए रख दिया गया। मैं मिंबर के करीब खड़े होकर मैंने मरसिया शुरू किया। इमाम ने कहा क्यों खड़ा क्यों हो गया? अर्ज की फरजंद रसूल इमाम नीचे बैठे मैं मिंबर पे कहते जाऊं। कहा मेरी इजाजत है, मेरे जग का जिक्र है, जाओ ऊपर जाओ मेरे जग का जिक्र है। वो कहता है कि मैं मिंबर पे पहुंचा, मैंने मरसिए का 3रा शेर पढ़ा था कि एक मरतबा सैदानियों के रोने की आवाज आई। मैंने मरसिए को बंद कर दिया तो घबरा के मेरी सूरत देखी और कहा रुकता क्यों है? अर्ज किया मौला शहजादियों की आवाज आ रही है। कहा मातम हुसैन में ये फिक्र न कर। मजलिस की तारीख आप पूछते हैं, मजलिस की तारीख ये है कि इमाम मूसा बिन जाफर ने मजलिसें की मदीने में। मदीने में इमाम रजा खुरासान गए तो इब्न शबीब कहता है कि जिलहिज की 29 तारीख थी और एकाएक मैंने इमाम को देखा कि सहरा में आए। मेरा हाथ थामा का इब्न शबीब, क्या चांद नजर आया? मैंने उनकी फातिमा के लाल वो चांद बेख्तियार आंखों से आंसू बहने लगे और मेरी तरफ देख के कहा इब्न शबीब। तारीख मजलिस पूछने वाले इस जुमले को लिख ले, यह इमाम रिदा का जुमला है। यब्न शबीब इन कुंता बाकियन अला शैइन फक अला जद्दी अल गरीब। ऐ इब्न शबीब अगर किसी बात पे रोना आए तो मेरे जद्द मजलूम पे रो ले। खुरासान में इमाम रिजा ने मजलिसें की और वहां ऐलान हो जाता था, 2 साल रहे ऐलान होता था कि मुहर्रम की मजलिसें शुरू हो गई, पढ़ने वाला आए। ऐसे में एक मरतबा वो पढ़ने वाला भी आया कि जिसका इमाम को इंतजार था।
देवल आया, देवल ने आके मर्सिया पढ़ा, मर्सिया पढ़ा, मिंबर पे बैठ के पढ़ा। मस्जिद की तारीफ को सुनने वाले, ये मर्सिया आज अदब अरब में मौजूद है तारीफ के साथ कि मर्सिया पढ़ाओ यान तल खैर खूमी फंद भी अफातिम खूमी अपन तल खैर फंद भी नुजूम समावातिन बे अर्ज फलाती। अय फातिमा उठो देखो आसमान के तारे जमीन पर बिखर गए। ये मशहूर अदब अरब का मर्सिया है जो मजलिस में पढ़ा गया। मदारिस व आयातिन खलत मिन तिलावतिन, किसी से भी पूछ लें आप, किसी अशआर के दीवान को देखें, देवल का ये मर्सिया मौजूद है। और उसके बाद देवल ने अजीब अंदाज से तमहीद शुरू की और कहा, हाय वो माँ जिसके बच्चों की खबरें भी एक जगह न हो, जिसके बच्चों की खबरें भी एक जगह न बने। और एक मरतबा कहा, कुबूर बेकूफानी वो उखराओ बे तैबतिन व उखराओ बे फखिन नालहा सलवाती व कब्रुन बे बगदाद नफ्तिन जकिया तजम्मन हर रहमान बिलगुरफाती। किसी की कब्र कूफे में है, किसी की कब्र फख में है, किसी की कब्र बगदाद में है, कोई फुरात के किनारे सो रहा है। देवल कहते हैं, जब मैं बगदाद तक पहुंचा तो मुझे गरिया गुलूगीर हुआ, मेरा मर्सिया भी खत्म हुआ। मेरी तरफ रोते हुए देख के कहा, एक और शेर निकले, एक और शेर निकले। मैंने अर्ज की, हुक्म हो इरशाद फरमाया, वो कब्र बेतूसिन या लहा मिन मुसीबतिन तजम्मन हर रहमान बिलगुरफाती। एक शहीद की कब्र तूस में भी होगी। मैंने अर्ज किया, फरजंद रसूल वो तूस में कौन शहीद है? तो इशारा किया कि मैं यहाँ दफन होने वाला हूँ। तो मजलिसें हुई, हर इमाम ने मजलिस की, गुफ्तगू खत्म हुई। मैंने जहमत दी, आज हम इसी फिक्र में रहे। मैं सिर्फ इतना अर्ज करता हूँ कि अगर ये मजलिसें कदामत नहीं रखती, अगर इन मजलिसों में कोई कदामत नहीं है, तो जब भी किसी कम्युनिटी का क्या नुकसान है, जब भी किसी कम्युनिटी को क्या फर्ज है इस बहस से कि मजलिस कब शुरू हुई है? हमने आज शुरू की है, हमने अब शुरू किया है मजलिस को, हम जिक्र हुसैन अब करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हम हजार बरस की किसी को तारीख बतलाएं। जब हम एक आजाद मुल्क के रहने वाले हैं, जब हम अपना टैक्स अदा करते हैं, जब हम टेलीविजन का टैक्स देते हैं, तो किसी को यह पूछने का हक क्या है कि इसका आगाज क्या है और इसकी इब्तिदा क्या है? हमने ये काम किया है, ये हमारा शौर है, हम जिम्मेदार हैं इसके। हमसे पूछो कि इस मजलिस का फायदा क्या है, हमसे पूछो कि इस मजलिस का अंजाम क्या है, हमसे पूछो कि इस मजलिस की गरज क्या है, तो उस वक्त बतलाएंगे हम तुमको कि यह दुनिया में जो तुम आज ठोकरें खा रहे हो और तुम्हारी सियासत जो तुमको ठोकरें खिला रही है, अगर तुम मजलिस कर लेते तो हमेशा के लिए महफूज हो जाते। Amen.
हमेशा याद रखो, दलील कम नजरी किस्से जदीद व कदीम, दलील कम नजरी जमाना एक हयात एक कायनात भी एक, दलील कम नजरी किस्से जदीद व कदीम, कि पुरानी चीज है तो कबूल करोगे, पुरानी चीज है तो कबूल करोगे, तो रसूल से पहले जो बुत परस्ती होती थी वो तो और भी कदीम थी ना। बहरहाल हम एक मरतबा फिर बड़े एहतियात के साथ ये मारूजा कर रहे हैं कि इन मामलात में न उलझने की कोशिश करें, न इन मामलात को मुजाकरात में लाने की कोशिश करें, इसलिए कि इससे इत्तेहाद को नुकसान पहुंचेगा, इत्तेहाद को नुकसान पहुंचेगा। अब मजलिस का जिक्र खत्म हुआ, अब रहा मातम। मातम तो जिसका घर उजड़ता है वो मातम करता है। की तारीख क्या पूछते हो? जिसका घर उजड़ता है वो मातम करता है, अपने आप को नुकसान पहुंचाता है, किसी और को तो नहीं। तुम क्यों डर रहे हो? सीने हमारे फट रहे हैं, दुनिया क्यों हैरान है? कलेजे हमारे छलनी हैं, दिलों में क्यों आग लग रही है? तो जिसका घर उजड़ता है वो मातम भी करता है, फरियाद भी करता है, और ये तो रसूल का घर है। अब रसूल से मोहब्बत है तो खुद मातम करे, रसूल से मोहब्बत है तो खुद रोए, और अगर रसूल से बेताल्लुकी है तो कुछ नहीं, रसूल क्या छोड़ के गए थे? दुनिया ने कहा कि रसूल माल नहीं छोड़ता, माल नहीं छोड़ता, हम बहस नहीं करेंगे, मगर रसूल ने बेटी तो छोड़ी थी, एक बेटी तो थी ना रसूल की, एक बेटी जो हर सुबह जाए बाप की कब्र पे और जाके फरियाद करे सुब्बत अलैया मसाए कुल्लवन्ना सुब्बत अलैयाम सिरन लिया लिया, बाबा आपके बाद मुझसे वो मुसीबतें पड़ी बाबा कि अगर रोज हाय रोशन के पड़ती वो मुसीबतें तो शबे तार हो जाते। मातम की बातें न पूछो, अब ये एक और मजलिस का उन्वान बन जाएगा। बहरहाल हो रहा है होने को, इसको किसी मुजाकरे के जरिए इसमें इस्लाह नहीं होती, इसमें इस्लाह की गुंजाइश नहीं है। मुजाकरा उसी वक्त होता है जबकि सुनने वाले अपनी इस्लाह करें, आप समझ, इस्लाह करें। अब इस्लाह का वक्त गुजर गया मेरे दोस्त, 1330 बरस हो गए कर्बला को, मातम करते करते रोते रोते यहाँ तक हम पहुँच गए, हम नहीं रहेंगे यही नस्लें रहेंगी। अब रह गया किसी को हक क्या है, तो कराची की 4 लाख से ज्यादा की हमारी आबादी है, हम अपने हुकूक रखते हैं, और अगर उन हुकूक के लिए आवाज बुलंद की जाए तो तलमला जाओगे। अब तक हमने गुफ्तगू नहीं की और हम नहीं चाहते, नहीं चाहते कि गुफ्तगू हो, इसलिए कि मसाइल पहले से मौजूद है, मसाइल पहले से मौजूद है। मगर एक बात याद रखिए कि मुल्क की 2 अहम सियासी जमातों से इन मसाइल पर हम गुफ्तगू करेंगे, हम गुफ्तगू करेंगे। हम मशरकी पाकिस्तान के होने वाले
और मुंतखब होने वाले अहम तरीन लीडर से गुफ्तगू करेंगे। हम मगरबी पाकिस्तान के मुंतखब होने वाले उमूमी लीडर से गुफ्तगू करेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या हक पहुंचता है किसी को कि इस तरह से किसी फिरके के हुकूक को दबाने की कोशिश की जाए। बस मैंने तकरीर खत्म की। बात यह है, इंसान हो तो दिल भी हो, दिल हो तो दर्द भी हो, मुझे तो इंसानियत में शक है। आप समझ रहे हैं, दिल है दर्द, आपको मालूम है यहां से वहां से आप जाके कोई एक किताब उठा लीजिए वाकई करबला के मुताल्लुक, कोई किताब उठा। मैं आपको बतलाऊं, मौलाना राशिदुल कैरी मरहूम की किताब ले लीजिए, सैयदा का लाल, खुदा के लिए लीजिए सैयदा का लाल। जाहिर है राशिदुल कैरी का जो अकीदा था वो बड़े अच्छे मुसलमानों के राइटर थे, उनको उठा लीजिए और उसके बाद उस किताब को खोलिए तो आपको पता चलेगा कि दिल कैसे तड़पता है, इंसान कैसे रोता है, दिल कैसे मचलता है। अरे यही है वो सूरत गाम के जिसने हमारा किरदार बनाया है, यही है वो सूरत गाम जिसने हमारी माओं बहनों बेटियों के किरदार को दुरुस्त किया है, और यही है वो सूरत गाम जिसकी बिना पर आज हम मुफ्तखर हैं। हुसैन, ये तेरा सदका है, ये तेरे गम का सदका है, ये तेरे मातम का सदका है। हुसैन, इजाजत है आखिर में जिक्र करूं, देखें दिल वाले किस तरह से दाद देते हैं और जिनके दिल में दर्द है वो क्या समझते हैं। देखिए, करबला के मैदान में जब दसवीं मुहर्रम की शाम हुई और जब खेमे जले तो दो छोटे बच्चे एक मर्तबा फौजों के दल से निकलकर एक रास्ते में भाग खड़े हो गए। लश्कर के सरदारों ने दो बच्चों को जाते हुए देखा, दौड़ के बच्चों को असीर किया, घोड़ों पर बिठाया और कूफा पहुंचा दिया। इब्ने ज़ियाद के सामने ये बच्चे काफिला पहुंचने से पहले पहुंचे। इब्ने ज़ियाद ने कहा, कौन हो? तो कहा, हम मुस्लिम इब्ने अकील के बच्चे, हम मुस्लिम के बच्चे, बच्चों को छिपाने की क्या जरूरत थी? कहा, करबला में आग लगी, हम भाग रहे थे, इन्होंने पकड़ा। कहा, अच्छा कैद कर दो। बच्चे कैद में गए, फिर माँ कैद में आई, कूफे से शाम चली गई, बच्चे माँ से मिल न सके, बच्चे माँ से मिल न सके। एक साल पूरा गुजर गया, उसमें ईदें भी गुजरी, रमजान की ईद भी गुजरी, ज़िलहिज की ईद भी गुजरी। भाई ने भाई से कहा, अब शाम को जब जिंदान बान आए तो उससे बात करके देखें क्या कहता है। जब उसने रोटी रखी तो छोटे बच्चे ने, जिसका सिर 7 बरस का था, जिंदान बांध के हाथ पे हाथ रखा, उसने सूरत देखी, देखा आंखों से आंसू बह रहे। पूछा, बच्चों कुछ कहना है? तो छोटे बच्चे ने पूछा, तू मोहम्मद मुस्तफा को जानता है? क्यों नहीं, वो मेरे रसूल।
قاسو علی مرتضیٰ کو جانتا ہے کا کیوں نہیں؟ وہ رسول کے بھائی کا تو عقیل کو جانتا ہے؟ کہاں وہ علی کے بھائی کا زندان بان ہم عقیل کے پوتے ہیں، ہم مسلم کے بیٹے، اتنا سننا تھا کہ قدموں پہ گر پڑا، کہتا تو ایک سال گزر گیا نا، ایک سال گزر گیا، آپ نے کبھی نہیں کہا کہ مسلم کے بچے قید۔ دروازے کو کھول دیا کہ جاؤ جاؤ، جاتے جاتے ایک مطلب پاؤں کو ہاتھ لگا کے کہا قیامت کے دن شکایت نہ کرنا، اپنے جد سے شکایت نہ کرنا، مجھے معلوم نہیں تھا۔ بچے چلے، رات اندھیری، راستہ بھول گئے، قاتل کے گھر میں پہنچے، حارث کی بی بی نے پناہ دی، بچے سو گئے، خواب میں دیکھا باپ آیا ہے اور آ کے کہتا ہے گھبرانا نہیں، کل صبح بلا لوں گا، کل صبح بلا لوں گا۔ صبح ہوئی، قاتل آیا، بچوں کو اس گھر میں پایا، دونوں کے گیسو تھامے، ان کو ستون سے باندھا۔ مرزا دبیر نے کہا ڈر گئے، سہم گئے، کانپ گئے، بیچارے، یا علی کہنے پہ ظالم نے تماشے رائے۔ ہاتھ تھام کے دریا کے کنارے پایا، یہ باد کربلا ہے، اگر دل ہے دل میں درد ہے، اور اگر صاحب اولاد ہو تو سنو۔ اس نے تلوار کھینچی تو بچوں نے کہا انعام چاہتا ہے، مدینہ لے چل، بہت انعام دلا دیں گے۔ ابن زیاد کے پاس زندہ لے چل، ہم کچھ کہہ لیں گے، ہماری زلفیں کاٹ کے بازار میں بیچ دے، جو مل جائے لے لے۔ کا کچھ نہیں، کا دو رکعت نماز پڑھ لے۔ بچوں کو نماز کی اجازت ملی، بچوں نے آستینیں الٹی، تجدید وضو کی، دو رکعت نماز پڑھی، آخری سجدے میں کہا پروردگار ہمارے اور ہمارے قاتل کے درمیان محاکمہ فرما۔ سجدے سے سر اٹھایا تو چھوٹا بھائی پہلے قاتل سے لپٹ گیا، کہا دیکھ بڑے کو میرے سامنے قتل نہ کرنا، پہلے مجھے قتل کر۔ بڑا بھائی قاتل سے لپٹ گیا، کہا یہ چھوٹا ہے، ارے اس کو قتل نہ کرنا، پہلے مجھے قتل کر۔ یا اللہ، اے کربلا والے حسین، جب علی اکبر گرے حسین آئے، جب قاسم گرے حسین آئے، جب آن محمد گرے حسین آئے، ارے فرات کے کنارے یہ دو بچے تڑپ رہے ہیں، کوئی نہیں ہے کہنے والا۔ اعوذ باللہ